में बताएंगे रस को पचाने की छोटी से छोटी ट्रिक के बारे में बताएंगे, जिससे आपको रस के बारे में बहुत जल्दी से मालूम पड़ जाए और रस क्या होते हैं याद हो जाए, उनका स्थाई भाव क्या होता है ये जल्दी से आपको याद हो जाए। केवल चार लाइन होंगी, 1 2 3 4। पहले जब छोटे थे ना तो कविता याद करते थे, 8-8 लाइनों की याद कर लेते, तो हम अब 4 लाइनें क्यों याद कर सकते हैं, जबकि 4 लाइनों में सारा रस भरा हुआ है और सारे स्थाई भाव भरे हुए हैं, तो हम 4 लाइनों को भी याद कर सकते हैं। कैसे, हमने ये लिखा हुआ है, करोड़ों हास्य से हार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रथ के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद विमर्श के कारण नव रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की चुकप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। ऊपर वाली लाइनों में रस हैं और नीचे वाली लाइन पर स्थायी भाव, जैसे करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध, विवश का जुगुप्सा। हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे हम लोग पहले से ही जानते हैं कि रस केवल 9 होते हैं, जैसे हमने लिख दिया है करुण रस, हास्य श्रृंगार, वीर भयानक शांत, अद्भुत रौद्र विवश, और इनके स्थायी वाले जो होते हैं सो। कभी ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, कभी ये देख लिया जाता है कि शोक का स्थायी भाव का रस क्या होगा, आपसे देखिएगा करुण हास्य या विवश रौद्र, या कभी ये देख लिया जाएगा करुण का स्थायी भाव क्या है शोक, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए हमने इनको 4 लाइन याद करना है और हमें सारे रस के भाव और स्थायी भाव याद हो जाएंगे। केवल मित्रों आप करुण हास्य श्रृंगार मिलकर धीर बयान शांत बना, शोक हास्य रथ के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। कठिन नहीं है, नीचे और लिखा हुआ विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, ये चार क्या चीजें होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी आप पिक्चर देखने गए, सभी लोग पिक्चर देखते हैं, आप पिक्चर कभी हॉरर मूवी देखी होगी जिसमें भूत आ जाता है, तो जैसे अचानक आपने देखा या कभी सभी सामने अगर आपके सामने भूत आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है भूत हो जाओगे तो आप क्या करोगे, डर जाओगे, क्या हो जाएगा, डर जाओगे, ठीक ना। तो जो कारण है डरने का, जो कारण होता है वो क्या होगा, विभाव, भूत जो है वो हो गया विभाव कारण, हम किस कारण से डर गए, ठीक स्थायी भाव क्या हो गया, भय, इसका भयानक था भूत, भयानक हो आप डर गए क्यों, स्थायी भाव भय के कारण। और जैसे ही हमें भूत दिखाई पड़ा तो मैं दिमाग क्या हो गया, क्या करें, दिमाग हमारा एकदम सोचने लगा कि क्या करना है, भागना है, लुटना है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया संचारी भाव, हमारा के अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या क्या प्रक्रिया हुई, ये हो गया हमारा संचारी भाव। उसके बाद अनुभाव, हमने शरीर की जो क्रिया की है वो हो जाता है अनुभाव, भागना है कि रुकना है, इसके साथ सामना करना है, ये हो गया अनुभाव। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी और इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन नंबर के, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।